हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का ओल्ड एस मामे इस समय दयाभाभी की एंट्री एक सस्पेंस बनी हुई है, यानी कि अभी तक शो के अंदर ये बात रिवील नहीं हुई है कि आखिरकार इन सभी में से असली दयाभाभी कौन है। एंड गाइस, जैसा कि हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि जेठालाल ने उन सभी लेडीजों के घूंघट हटा दिए जो कि सुंदरलाल ने खड़ी की थी, एंड उसमें से मात्र एक ही लेडीज बची हुई है जिसका घूंघट हटना बाकी रह गया है। एंड यहाँ पे जेठालाल खुशी के मारे बोलता है कि सभी के घूंघट हट चुके हैं, एंड अगर वही बची है तो वही दयाभाभी होंगी। लेकिन भाई, यहाँ पे घूंघट हटने के बाद जेठालाल को लगने वाला एक बहुत बड़ा शॉक, जी हाँ, यानी कि ये लेडीज भी दयाभाभी नहीं होगी। एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर दयाभाभी की एंट्री गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं हुई है, यानी कि अभी तक सिर्फ दयाभाभी की वन साइड सीन ही शूट की गई है। एंड यहाँ पर दयाभाभी गोकुलधाम मेंबर से सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉलिंग पर बात करने वाली हैं। तो भी आने वाली स्टोरी में कुछ और नहीं बल्कि दयाभाभी जेठालाल से वीडियो कॉलिंग पर बात करेंगी। एंड यहाँ पे जो बात सुंदरलाल ने कही थी वो बात भी पूरी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे जेठालाल ने गोकुलधाम मेंबर्स के साथ में गरबा कर लिया है। तो भी लगता है कि यहाँ पर तारक मेहता फैंस को दयाभाभी को वापस से शो में देखने के लिए थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। लड़की से बदे क्या आप भी दयाभाभी की इस झलक को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है? गाइस, इस बारे में आपको जो भी कॉमेंट्स और रिव्यूज है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।